ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 23 अक्टूबर 2020। आज बाबा ने सारी मुरली के सार में बोला, मीठे बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? तो बाबा ने उत्तर दिया, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनमें देवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे, देवताओं को। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती हैं। देवी गुण नहीं है तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में देवी गुण हैं, भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई जानते नहीं। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित नहीं करते हैं, उनमें देवी गुण हैं। छी-छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं, नरकवासी में माया छी-छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ कर्म कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं। ऐसे छी-छी काम नहीं करो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की, करके 16108 की भी कहे। यह भी क्या हुआ, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, इनमें 16000 निकले तो क्या हुआ, 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, उन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी ज्यों मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना,
ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदैव है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम आत्माएं पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंध। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पाठ से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इसका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होंगी? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले यह आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है तो यह सब क्या है? ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएगा। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो। याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, ऐसे ही पेट पीठ से लग जाएगा।
श्री बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक शिव बाबा को, बलिहारी एक की है, युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, तुमको यहाँ सर्व गुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल न सके। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझने की बात है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया दिया नहीं। बाप तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं, बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप एक बार स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे देवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं, शकल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसे कोई काम अभी नहीं करो, चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडी का उनको कहते हैं जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, जो दुख देती है, ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। मनुष्य अज्ञानी है, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है।
बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हो। अंदर में तो चलता है, वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं होना है। घर में रडिया मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करे। अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएंगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देने चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। यह सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंध आकर गंगा में पड़ता है। गंगा में कितना गंध पड़ता है। नदियों में भी कीचड़ा पड़ा रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की सारी मुरली में बाबा ने धारणा के लिए सार कहा। उसमें पहला है, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरा है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्थिति पर स्थित रहे। विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। वरदान का डिटेल है, अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध पदार्थ संस्कार प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो। शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। आज का स्लोगन है, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।